हेलो वेलकम वंस अगेन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपने बीएससी कंप्लीट कर लिया है तो बीएससी कंप्लीट करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है, उन करियर ऑप्शन में आप जाकर एक अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। और साथ ही साथ हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे टॉप 19 जॉब्स, सरकारी जॉब्स जिनको आप आवेदन कर सकते हैं और आप सरकारी जॉब भी लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है आपके पास कि आपको बीएससी के बाद क्या क्या ऑप्शन मिलेगी। तो हम पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की आपसे बात करते हैं। तो ऑप्शन सारे हमने नोट किए हुए हैं, तो वन बाय वन हम सारे आपसे डिस्कस करेंगे। तो नंबर वन ऑप्शन है हमारा एमएससी। देखिए, सबसे पहले आप बीएससी के बाद जो मेन लाइन जाती है वो है आपकी एमएससी का। आप एमएससी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका एमएससी करने में टाइम वेस्ट हो रहा है या आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, कुछ भी मान लीजिए, तो अगर हम एमएससी नहीं करना चाहते तो उस समय क्या करेंगे, तो हम सेकंड ऑप्शन आपको बताएंगे। आप कर सकते हैं एमए। आप देखिए, एमए कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बीएससी के बाद एमए कर लेते हैं। एमए में क्या होता है, सिलेबस सिंपल होता है और प्लस आराम से एमए क्या हो जाती है। अगर आप देखिए एमएससी करते हो तो उस समय देखिए क्या है, आपको बेनिफिट क्या हो जाते हैं। अगर आप एमएससी के बाद नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप डिग्री कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हो। और अगर मान लीजिए आप नेट के बाद पीएचडी भी कर लेते हो तो आप प्रोफेसर भी अपॉइंट हो सकते हो एक डिग्री कॉलेज में। ये आपका एडवांटेज होता है एमएससी करने का। अब हम आपसे बात करेंगे थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट है आपका एमबीए। अगर आप जो है बीएससी कर चुके हैं और आप चाहते हैं कोई हमको एक जॉब मिल जाए प्राइवेट सेक्टर में जल्दी से, तो उसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है, वो होता है एमबीए का। अगर आप एमबीए कर लेते हैं सक्सेसफुली और आपका सिलेक्शन हो जाता है कैंपस से, तो आपको जॉब मिल सकती है। अदरवाइज आप क्या, अगर कैंपस सिलेक्शन नहीं होता तो उसके बाद आप क्या है, कंपनीज में जा जाकर भी अपना रिज्यूम लगा लगा कर अपनी जॉब क्या पा सकते हैं। तो आप एमबीए भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है जहाँ पे आप क्या है प्राइवेट सेक्टर में इजीली जॉब क्या है पा सकते हो। ये होगी आपकी थर्ड नंबर की बात। अब हम बात करेंगे आपसे फोर्थ नंबर की बात। तो फोर्थ नंबर में हम आपको बताएंगे, कई लोग ऐसे हैं जो बीएससी करने के बाद एलएलबी की तैयारी करने लगते हैं। तो एलएलबी अगर आप बीएससी के बाद करते हो तो आपका केवल 3 साल का पड़ता है, तो आप बीएससी के बाद एलएलबी भी कर सकते हो। और कई लोग ऐसे हैं जो बीएससी के बाद कई अदर कोर्सेज भी कर लेते हैं, जैसे मेडिकल का कोर्स कर लेते हैं, कई लोग बीटेक में भी चला जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं। तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, बट जो मेन लाइन होती है वो आपकी बीएससी के बाद एमएससी का रहता है। तो आपको मैंने ये ऑप्शंस बताए, ये ऑप्शन आप क्या अपना सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी जॉब करना है, आपका सपना है सरकारी जॉब लेने का, तो उस समय हम आपको बताएंगे टॉप 19 सरकारी जॉब जिसमें आप क्या है बीएससी के बाद भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको वन बाय वन सारी जॉब्स बता देते हैं। तो अगर हम सबसे पहले जॉब की बात करें आपसे, तो सबसे अच्छी जॉब होती है वो होती है आपकी सिविल सर्विस, जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। यहाँ पर आपको हर साल वैकेंसी आती है और हर साल आप यूपीएससी का आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यूपीएससी का जब आप एग्ज़ाम दोगे सिविल सर्विस एग्ज़ाम, तो उसमें आपको आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की पोस्ट दी जाती है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करना नहीं चाहते हो, आईएएस की तैयारी नहीं करना चाहते हो, तो आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हो। तो सेकेंड पॉइंट में आपका पीसीएस। तो पीसीएस क्या है, राज्य सरकार द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आप किसी भी राज्य में रहते हो, हर राज्य सरकार एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है पीसीएस के नाम से, तो आप एक पीसीएस अधिकारी भी बन सकते हैं। अगर आप पीसीएस अधिकारी बनते हैं तो आप केवल उस राज्य तक ही सीमित रहेंगे। अगर आप एक आईएएस अधिकारी बनते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। अब हम आपको बताएंगे थर्ड नंबर की जॉब। थर्ड है आपकी SSC CGL। आप SSC CGL के द्वारा इनकम टैक्स में ऑफिसर बन सकते हैं, आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो आपके पास कई ऑप्शन है। SSC CGL में काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं जिनमें आप क्या है अच्छी पोस्ट पे अपॉइंट हो सकते हैं।
फिर इसके बाद नेक्स्ट जॉब आती है आपकी फोर्थ नंबर में, वो है आपकी SSC CHSL। आप SSC CHSL के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका टाइपिंग आपसे मांगा जाता है, तो आपका हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में या फिर आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को पूरी तरीके से क्रैक कर पाएंगे। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो आप टाइपिंग सीख भी सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम में आपका फिफ्थ नंबर है, वो आपका SSC MTS। आप SSC MTS के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। फिर सिक्स नंबर में आपका SSC GD। अगर आप SSC GD का एग्ज़ाम देते हो तो उस समय आपका फिजिकल का भी एग्ज़ाम होगा, तो फिजिकल का एग्ज़ाम आपको क्रैक करना पड़ेगा। तो अगर आप फिजिकली का एग्ज़ाम क्रैक करने को तैयार हो तो आप SSC GD का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर सेवन नंबर में आपका SSC स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कई बार निकलती है, हर साल ऑलमोस्ट निकलती है, तो स्टेनोग्राफर के लिए आपको स्टेनो लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको स्टेनो लैंग्वेज नहीं आएगी तो फिर वो क्या है, प्रॉब्लम आपको करेगा, तो स्टेनो आना कंपलसरी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जॉब आपकी SSC JEE का। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो SSC JEE का आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन पर। अदरवाइज आप BSc केवल आपने किया हुआ तो आप SSC JEE के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर आपके पास मान लीजिए कोई टेक्निकल डिग्री होती है BSc के अलावा, कोई BTEC वगैरह, तो आप SSC JEE के लिए अप्लाई कर देते। अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट जॉब, वो है आपकी 9 नंबर, वो है आपकी SBI क्लर्क। आप SBI क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10 नंबर में आपका SBI PO के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फिर 11 नंबर में आपका IBPS क्लर्क का। 12 नंबर में आपको बताएंगे IBPS PO। IBPS एक डिपार्टमेंट है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है बैंकिंग के लिए, और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद PO और क्लर्क अलग अलग बैंकों में क्या अपॉइंट किया जाता है इनके द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास RBI असिस्टेंट का। फिर इसके बाद LIC ADO का ऑप्शन है आपके पास, LIC AA का ऑप्शन है आपके पास। फिर इसके बाद आपके पास लेखपाल का ऑप्शन है, चकबंदी लेखपाल का ऑप्शन है। RBI में जो अन्य विभागों में RBI की जो अन्य पोस्ट आती हैं उनमें आपके पास ऑप्शन है, और आपके पास टीचर का ऑप्शन है कि आप टीचर भी बन सकते हैं। तो देखिए BSc के बाद आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, ये आप समझ गए होंगे। अगर किसी ऑप्शन के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अभी जाइए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको किसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए, उसके लिए हम आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हम आपको बताना ये चाहेंगे कि जो आपको मैंने इतने सारे ऑप्शन बताए, इन ऑप्शन को आप पहले समझिए कि इतने ऑप्शन आपके पास हैं लेकिन आपके लिए कौन सा ऑप्शन कितना बेटर है। देख कई लोग क्या करते हैं, IAS की तैयारी के साथ बैंक की तैयारी करते हैं। तो देखिए IAS की तैयारी के साथ अगर आप बैंक की तैयारी करते हो तो फिर क्या है, सिलेक्शन होने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए क्योंकि IAS का सिलेबस अलग है, बैंकिंग का सिलेबस अलग है। इसी तरीके से कई लोग बैंकिंग के साथ SSC की तैयारी करते हैं, तो SSC का सिलेबस अलग है, बैंकिंग का सिलेबस अलग है, और आप दोनों को मर्ज करके पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके पहले सिलेबस को समझिए। अब ऐसे अगर हम चकबंदी लेखपाल की बात करें, लेखपाल की बात करें, तो चकबंदी लेखपाल और लेखपाल की जो वैकेंसी है वहाँ पे सिलेबस देखिए अलग होता है। वहाँ पे सामान्य हिंदी आता है और ग्राम्य विकास आता है, ये किसी एग्जाम में और में नहीं आता, जैसे SSC में नहीं आता है, बैंकिंग में नहीं आता है। तो जब ये चीज़ यहाँ पे नहीं आती है तो फिर चकबंदी लेखपाल के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस एग्ज़ाम के लिए आपने सोचा है कि आपको यहाँ जाना है, तो उसका पहले आप सिलेबस जानिए कि सिलेबस क्या है। और अगर आप कोई दो एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ कर रहे हो तो आप पहले ये चेक करिए क्या दोनों एग्ज़ाम का सिलेबस आपस में मैच कर रहा है कि नहीं। और देखिए एक बात तो ध्यान रखिएगा, जैसे कई लोग बोलते हैं SSC बैंकिंग का सिलेबस मैच करता है, तो देखिए सिलेबस मैच तो कर रहा है थोड़ा बहुत, वो मैं मान लेता हूँ, लेकिन जो पूछने का तरीका है दोनों में, SSC में पूछने का तरीका और जो बैंकिंग में पूछने का तरीका, वो दोनों बहुत अलग है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो बैंकिंग की तैयारी करता है, अगर वो कैंडिडेट ये सोचे हमारा SSC में जल्दी सिलेक्शन हो जाए तो ऐसा नहीं होता है, और SSC में सिलेक्शन लेने वाला कैंडिडेट सोचे कि हमारा बैंकिंग हो जाए तो उसका भी जल्दी नहीं होता है, क्योंकि दोनों एग्जाम का जो पूछने का पैटर्न है क्वेश्चन का वो अलग अलग है। और जो लोग एक साथ तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जिनको नहीं पता होता है, वो करना तो शुरू कर देते हैं बट जब तक उनको समझ में आता है तब तक उनके जो अटैम्प्ट वो काफ़ी जा चुके होते हैं और कई केसेस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, जिसकी भी तैयारी करिए,
कुछ भी आप बनना चाहते हो, चाहे आप IAS हो चाहते हो, चाहे आप PCS चाहते हो, चाहे आप SSC का जॉब चाहते हो, चाहे आप बैंकिंग का जॉब चाहते हो, चाहे आप टीचर का जॉब चाहते हो, चाहे आप लेखपाल का जॉब चाहते हो, जिसका भी जॉब चाहते हैं, सबसे पहले सिलेबस देखिए। सिलेबस के बाद देखिए क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के, उनमें देखिए क्या कौन से एग्ज़ाम आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा, जितने SSC के एग्ज़ाम होते हैं उनका सबका सिलेबस एक जैसा रहता है, जितने बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं उनका सिलेबस एक जैसा होता है। जैसे बैंकिंग में अगर हम बात करें तो SBI आ जाता है आपका, IBPS आ जाता है, LIC भी आ जाता है, तो ये सब एक पैटर्न पर होते हैं। RBI भी आपका आ जाता है बैंकिंग में, तो ये सब एक जैसे सिलेबस के होते हैं। और यहीं अगर हम बात करें IAS PCS का, इन दोनों का सिलेबस एक जैसा होता है। तो डिपेंड करता है सिलेबस पे, आप तैयारी एक साथ कर सकते हैं या नहीं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आपके जो और फ्रेंड्स लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें BSc के बाद, ऑप्शन हैं कितने ऑप्शन हैं, जो नहीं जानते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जिससे कि जो उनके माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा है उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकें वो बच्चे, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए एक आपको सिंपल स्टेप लेना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने आएगी नोटिफिकेशन बेल, उसको क्लिक करना होगा। आप ऐसा करो तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो आएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की हम समाप्ति करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।